आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हम करने वाले हैं आपके आगामी 22 तारीख की परीक्षा के लिए, 22 जुलाई की परीक्षा के लिए, जो कि होने वाली है आपकी बीपीएससी की, मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। उसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका एक प्रकार से फ्री मॉक टेस्ट भी आपका हो जाएगा कि आपको आंसर आते हैं या नहीं। उसी के साथ साथ ये जो सवाल आप देखने वाले हैं, ये आपके आगामी बीपीएससी के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो पहले की सभी चीजें यथावत रहेंगी, जैसा कि आपको बताया है कौन सी किताबें पढ़नी है आपको, किस प्रकार से पढ़ना है, कितने पीवाईक्यूज आपने लगाने हैं, दो हुए हैं, दोनों लगाने हैं आपको, 80-80 सवाल लगाने हैं आपको, 160 का आपका वहां पर वो पैक रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो भी आप फ्री मॉक टेस्ट वगैरह देख रहे हैं चैनल के ऊपर, उसको भी आप अच्छे से लगाएंगे तो आपका 3.0 में निश्चित है कि आपका यहाँ पर हो जाएगा इस 3.0 के अंदर। आप ट्राई करें कि कट ऑफ वगैरह क्या जाने वाला है, उसकी बात करेंगे हम अगले किसी वीडियो के अंदर। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये 5 इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल जो है अभी आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे, ये आपके अंग्रेजी में होंगे लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाएगा हिंदी के लिए आप लोगों के लिए, तो उसको देखें। और इसी के साथ साथ प्रयास करें कि इसको आप इंग्लिश के तौर पर भी इसको आप लगा सकते हैं अच्छे से या नहीं, ठीक है, इस बात का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। क्योंकि क्या होगा, फाइनली बीपीएससी किसको मानेगा आंसर उसको माना जाएगा जो क्या रहेगा, जो इंग्लिश में आंसर सही रहेगा वो उसी को माना जाएगा फाइनली, ठीक है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना आप ना भूले, एंड बाकी की सारी चीजें बाद में होंगी। फिलहाल देखते हैं हम सबसे पहले सवाल नंबर एक। सवाल नंबर एक कहता है कि विच थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी बिटवीन देयर बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, ठीक है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये बताती है कि जो लोग हैं वो क्या है, वो अभी प्रेरित रहते हैं निरंतर, क्या है काहे के लिए, निरंतरता मेंटेन करने के लिए, इसके बीच में उनके जो बिलीफ है, उनके जो एटीट्यूड है, जो उनकी अभिवृत्ति है, और उसी के साथ साथ जो उनके व्यवहार है उनके बीच में, ठीक है। यानी कि मेनली आप बात करें तो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच क्या चाहिए आपको, यहाँ पर आपको यहाँ पर सम्यता चाहिए, आपको यहाँ पर इक्वलिटी चाहिए है कि आप क्या मेंटेन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर निरंतरता मेंटेन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, सेकंड दिया है आपको सोशल एक्सचेंज थ्योरी, थर्ड आपको दिया है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, और उसके बाद दिया है आपको यहाँ पर एट्रीब्यूशन की थ्योरी, ठीक है। तो ऐसा कौन सी थ्योरी है इनमें से जो आपने पढ़ी है, और ये सवाल कहाँ से है, सवाल आपके एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो अगर आप ये सवाल गलत कर रहे हैं, आपको नहीं बन रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने जो है अगेन अपनी जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्या आपका ये सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है, क्या आपका ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी है थिबाउट एंड केली की, क्या आपकी ये डेरिल बेम की सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है, क्या आपकी ये फ्रिट्ज हाइडर की और भी कई सारी जो है आपकी एट्रीब्यूशन थ्योरी है, या फिर आपकी लियोन फेस्टिंगर की कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, ठीक है। कहानी की शुरुआत कब होती है, 1957 में, जब लियोन फेस्टिंगर जो आपको है, ठीक है, क्या देते हैं, ये आपको देते हैं यहाँ पर सीडी थ्योरी, यानी कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ठीक है। यानी कि आपका जो है संज्ञानात्मक विसंगतता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है आपके लियोन फेस्टिंगर के द्वारा। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो एटीट्यूड है, और हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, इसके बीच में क्या चाहते हैं, इसके बीच हम निरंतरता चाहते रहते हैं, ठीक है। तो 1957 में कहानी की शुरुआत कौन करती है, कहानी की शुरुआत करते हैं आपके यहाँ पर लियोन फेस्टिंगर, जो कि क्या थे, एक सामाजिक मनोविज्ञानी थे, कह सकते हैं इसको इस प्रकार से। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो लोग हैं ये किसके लिए अभी प्रेरित रहते हैं, ये किसके लिए मोटिवेटेड रहते हैं, ये इस चीज के लिए मोटिवेटेड रहते हैं कि इनको क्या करना है, इनको अपना जो एटीट्यूड है और इनका जो बिहेवियर है, इनके बीच क्या चाहिए, इनके बीच इनको निरंतरता चाहिए होती है, ठीक है। इनके अंतर्गत क्या चाहिए होती है, इनके अंतर्गत उनको निरंतरता चाहिए होती है। इस बात को आप रट लें, याद कर लें, समझ लें कि जब भी कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात आएगी कौन आएंगे, वहां पर आपके लियोन फेस्टिंगर आएंगे। यानी कि सामाजिक विसंगतता की जब भी बात आएगी, जब भी आपकी अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच सम्यता की बात आएगी, तो कौन किसकी एंट्री होगी वहां पर, खासतौर पर आपके एग्जाम की बात करें तो वहां पर होगी लियोन फेस्टिंगर की एंट्री। और वो बात करते हैं किसके बारे में, वो बात करते हैं आपके सामाजिक, नॉट सामाजिक, आपकी संज्ञानात्मक विसंगतता के बारे में, ठीक है। तो ये देखा आपने कौन सा सवाल, ये देखा आपने पहला सवाल आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। और ये थीम कहां से ली गई है, थीम ली गई है आपकी सोशल साइकोलॉजी से, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी आपके बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान 3.0 4.0 जब भी ओ होता रहेगा तब ये जो है सोशल साइकोलॉजी आपको जो है अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे किसके बारे में देखा, हमने यहाँ पर देखा कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के बारे में। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है, ये दी थी आपके डेरिल बेम ने, ठीक है, या सोंड्रा बेम ने आपको दी है, कौन सी थ्योरी आपकी, बेम्स की याद रखिए, ठीक है,
बेम्स की थ्योरी जो है वो किसके बारे में बात करती है, वो बात करती है सेल्फ परसेप्शन के बारे में। ठीक है, सेल्फ परसेप्शन यानी कि आपको पता नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसकी फोटो रखते हैं। इसका मतलब आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम जो है क्या कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को पसंद करते हैं। ठीक है, ये बात करती है आपकी डेरिल बेम की सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, और आपने देखा है इस वीडियो के अंदर आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के बारे में भी। ठीक है, उसी के साथ साथ बात करें आपकी गुणारोपण की, तो गुणारोपण की आपकी कई सारी थ्योरीज हैं, उनमें से आपकी जो दी गई है सिलेबस के अंदर यानी कि एनसीईआरटी के अंदर, वो आपकी वहां पर फ्रिट्ज हाइडर की POX बैलेंस थ्योरी है, तो उसको आप अच्छे से करके जाएंगे। पूछ लेगा आपसे कि जब भी इसके अंदर क्या होते हैं, दो पॉजिटिव होते हैं, दो नेगेटिव होते हैं, आपके एनसीईआरटी में बखूबी दिया हुआ है बिना किसी कोर्स के, तो आप एनसीईआरटी के माध्यम से अच्छे से कवर कर सकते हैं इस टॉपिक को, इस पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सोशल साइकोलॉजी के बारे में, यहाँ पर हमने देखा सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में। अब हम चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अगली टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि बीपीएससी को जो है आपकी टेस्टिंग में यहाँ पर रुचि रहती है। सवाल नंबर दो पूछ रहा है आपसे, हु डेवलप्ड द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, पहला स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया, अल्फ्रेड बीने, लुइस टर्मेन, डेविड वेस्लर या फिर चार्ल्स स्पीयरमैन ने, किसने बनाया यहाँ पर। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है, अल्फ्रेड बीने, लुइस टर्मेन, डेविड वेस्लर और चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, आप यहाँ पे स्टैंडर्डाइज को छोड़ भी दें तो केवल इतना बताइए, आप यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, आप ये बताइए, थोड़ा सा मतलब ये सब्जेक्टिव बात हो जाएगी, आप ये बताइए कि हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, बुद्धि परीक्षण पहली बार किसने बनाया। ठीक है, सवाल ये है, अल्फ्रेड बीने, लुइस टर्मेन, डेविड वेस्लर या फिर आपके चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका, पहले में क्या था आंसर, पहले में था सही आंसर बताया नहीं कि आपको, आपको था वहां पर ए, यहां पर भी क्या होने वाला है आपका सही आंसर, अल्फ्रेड बीने यहां पर आपका जो है ये आंसर होने वाला है। ठीक है, शुरुआत कब होती है, शुरुआत होती है बंगाल विभाजन के समय, ठीक 1905 में, जब फ्रेंच सरकार, फ्रेंच मिनिस्ट्री इनको कहती है कि आप क्या करिए, आप जो बच्चे हैं उनको देखिए कि वो प्रॉपर सीख क्यों नहीं पा रहे, कैसे उनको हम सिखा सकते हैं और किनको जो है जरूरत है कि आगे जाकर क्या करें, हम आगे जाकर इनको और अच्छी शिक्षण दें, किसकी जरूरत इनको है, इसके लिए बनाया गया था 1905 में पहली बार। अल्फ्रेड बिने के साथ एक और थे, उनका नाम था क्या, उनका नाम था साइमन। ठीक है, बिने साइमन, जो आप स्केल पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइमन दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने मिलकर बनाया था कब, 1905 में। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा सही यहाँ पर आपका, अल्फ्रेड बिने यहाँ पर जो है आंसर सही होने वाला है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखेंगे टेस्टिंग की शुरुआत जो है आपकी, परीक्षण की जो शुरुआत है वो कब से हो जाती है, परीक्षण की शुरुआत आपकी होती है वर्ल्ड वॉर के समय से 1914 में। ठीक है, 1914 में आपकी परीक्षण की जब शुरुआत होती है ऑफिशियली, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है आपको, ये अभी हमने कब की बात बताई, ये बताई आपकी 1905 में, यहीं पर आपके निकल के आते हैं कौन से, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, ये वाला जो था वो कौन सा था, ये वाला जो था आपका, ये था आपका वर्बल और ये वाला था आपका नॉन वर्बल, यानी कि आप इसको कह सकते हैं परफॉर्मेंस वाला था आपका। ठीक है, आर्मी बीटा और आर्मी अल्फा, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्मी अल्फा वाला कौन सा था, जो आपका वर्बल था यानी कि वाचिक था या शाब्दिक था, और ये गैर शाब्दिक था या अशाब्दिक था, कौन सा आपका, आर्मी बीटा वाला। ठीक है, ये तो बात हो गई 1905 में कौन आते हैं, 1905 में आपके अल्फ्रेड बीने और साइमन देते हैं अपनी स्केल मतलब टेस्ट यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट अल्फ्रेड बीने ने दिया। ठीक है, बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं हम खासतौर पर। ठीक है, बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ठीक है, ठीक उसी के पहले एक साल पहले 1904 में क्या हो रहा था, 1904 में आपके बंगाल विभाजन के ठीक एक साल पहले यहाँ पर आपके चार्ल्स स्पीयरमैन थे, वो क्या लेके आ गए थे, वो लेके आ गए थे आपकी फैक्टर एनालिसिस को। ठीक है, यानी कि कारक विश्लेषण को लाया गया था इस समय। ठीक है, तो टाइमलाइन से आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोर्स के अंदर वीडियोस वगैरह देखी थी। ठीक है, तो कारक विश्लेषण जो है आपका यहाँ पर 1904 में चार्ल्स स्पीयरमैन लेके आते हैं। उसी के साथ साथ किसके बारे में बताते हैं, ये उसी के साथ साथ बताते हैं आपको यहाँ पर टू फैक्टर थ्योरी के बारे में, यानी कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी किसने बताया हुआ है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी आपको यहाँ पर चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताया हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या बात करते हैं, जिसके अंतर्गत बात करते हैं कि हम क्या बनाते हैं, हम इस प्रकार की एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं और इस मैट्रिक्स के आधार पर हम क्या निकालते हैं, अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है मान के चलिए ए बी सी डी ई, ये अलग अलग क्या है आपकी एबिलिटीज है, और यहाँ पर भी ए बी सी डी इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या निकाला जाता है, इनके बीच का सहसंबंध निकाला जाता है, और उसके बाद जो सहसंबंध ज्यादा लोड करते हैं, जो आप सीखते हैं किसके अंदर, जो आप सीखते हैं फैक्टर एनालिसिस के अंदर, उसके आधार पर क्या करते हैं ये, उसके आधार पर उन्होंने जो अपनी थ्योरी का निर्माण किया वो कैसे हुआ, फिर जाके बताया उन्होंने अपने द्विकारक सिद्धांत के बारे में, जिसके अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं यहाँ पर जी फैक्टर और गा फैक्टर और का फैक्टर जो पढ़ते हैं आप, जी फैक्टर एक होता है और यहाँ पर आपके जो अलग अलग है ये आपके स्पेशल एबिलिटीज यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करके किसने बताया आपको, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताया है 1904 के अंदर। ठीक है, 1905 में क्या होता है, अल्फ्रेड बिने यहाँ पर आते हैं 1905 में, एंड देन उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, 1912 में आपके विलियम स्टर्न आते हैं, 1912 में विलियम स्टर्न लेके आते हैं
आपका किसका फॉर्मूला, आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को लेके आते हैं, बोलते हैं आप ये कर दीजिए, एंड देन इसी का इस्तेमाल करते हुए आगे 1916 में जो है यहाँ पे क्या आती है आपकी लुईस टर्मेन जो है, ठीक है, वो आगे आपका निकालते हैं यहाँ पर लुईस टर्मेन 1916 में, एंड देन उसके बाद जाके 1939 में क्या होता है आपके जो है वेस्लर की निकल के आती है। वेस्लर बेलव्यू में काम कर रहे थे तो बेलव्यू स्केल, ठीक है, 1939 में सबसे पहली बार आती है, देन 1955 में आती है, देन 97 में, देन 2008 में, इस प्रकार से अलग अलग रिविजन यहाँ पर चल रहे हैं। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की बात हो रही है, ठीक है। तो एक बात आपको जो ध्यान रखनी है प्रमुखता, वो क्या है, वो मोस्ट आईएमपी बात है किसी भी साइकोलॉजी मनोविज्ञान एग्जाम के लिए, ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, जो भी करना करिए आपको, लेकिन इस बात को आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि वेस्लर की एंट्री क्यों हुई थी 1939 में, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस का निर्माण क्यों हुआ था, इसका प्रमुख वजह, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें हर चीज के पीछे, हर किसी चीज के इजाद होने के पीछे एक बड़ी वजह होती है, और वेस्लर के इजाद होने की एक बड़ी वजह क्या थी, वो ये थी कि ये क्या थी, ये एक आपकी वयस्क मापनी थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, कभी नहीं भूलें, भूलना है इसको आपने जीवन में कभी भी, ठीक है। ये क्या थी, ये एक एडल्ट के लिए सबसे पहली बार निर्माण किया गया था, इसके पहले अल्फ्रेड बिने ने जो किया, साइमन ने जो किया, और जो इसके पहले कौन था, एक और अभी जो बताया आपको टर्मेन की जो थी, ठीक है, वो सब जो यहाँ पे कर रहे थे वो किसके बारे में थे, वो यहाँ पर आपकी थी स्टैनफोर्ड वाली जो थी, स्टैनफोर्ड बिने, उसको बोलते थे बाद में SB5 नाम से, जो आप सुनते हैं आज 2003 रॉइड, ठीक है। तो ये जो है आपकी, ये क्या है, ये आपकी थी बच्चों के लिए इनिशियली, जब इनको बनाया गया तो बच्चों के लिए बनाया गया, आज ये जो है ये भी एडल्ट पे काम करती है, लेकिन जब इनको बनाया गया था तो केवल किस पे काम कर रहे थे, बच्चों के इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप जानते हैं, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स या 2.0 से जानते हैं, तो टू जो आपका है, ये जो फॉर्मूला है ये फेल होने लगा धीरे धीरे, ठीक है, और यही वजह है कि बीपीएससी ने गलत आंसर की दी थी अपनी, लेकिन खैर जाने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल है, ये जो फॉर्मूला है, ये गलत हो जाता है, इसीलिए जो नया चीज निकल के आई वो किसकी आई, वो आई आपकी डिविएशन आईक्यू की, जिसके अंदर आपको इस प्रकार से देखने मिलता है, यहाँ पे SD1, SD2, SD213, इस प्रकार से आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। आपको जो ध्यान रखना है, सवाल पूछता है कि वेस्लर बुद्धि परीक्षण का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि हमको जरूरत थी एक वयस्क मापनी की, बात खत्म, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा होगा बकवास, उसको जाने दीजिए। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, एडल्ट स्केल की जरूरत थी इसलिए इसका निर्माण किया गया था, इसके अलावा और कोई वेस्लर को जरूरत नहीं थी, लेकिन हम एडल्ट का मेजर नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से ही क्या किया गया, इस वजह से ही आपके वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का निर्माण किया गया, ठीक है। टाइमलाइन फिर से देखते हैं, 1904 में क्या होता है, सी स्पीयरमैन फैक्टर एनालिसिस के द्वारा आपके बुद्धि का सिद्धांत देते हैं, टू फैक्टर थ्योरी। एक साल बाद बंगाल विभाजन होता है, उसी के साथ साथ 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन जो है फ्रांस में क्या करते हैं, फ्रांस में आपकी ये लेके आते हैं मेंटल टेस्ट, आपका ये वाला इंटेलिजेंस वाला, ठीक है, बच्चों को मापने के लिए। फिर क्या होता है, 1912 में विलियम स्टर्न का फॉर्मूला आता है, आई क्यू इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन वो, उसका इस्तेमाल करते हुए क्या होता है, लुईस टर्मेन वगैरह 1916 में बनाते हैं स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, इसको बनाते हैं SB5 नाम से, आप जानते हैं आज पढ़ा होगा आपने। तो उसके बाद क्या होता है, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1939 में, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब कौन आते हैं आपके, डेविड वेस्लर आते हैं, ठीक है, डेविड वेस्लर आते हैं, और वेस्लर क्या करते हैं, वेस्लर निर्माण करते हैं कहां पर, बेलव्यू में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, वेस्लर बेलव्यू स्केल, ठीक है, जिसको प्रमुखता क्यों बनाया गया था, क्योंकि हमको जो है एडल्ट को टेस्ट करना था, इसके लिए बनाया गया था, ऑलराइट, इसलिए ये बोल रहे थे आपको कि ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेक्चर क्यों है, इसलिए, ठीक है, बाकी एमसीक्यू तो पढ़ा देते हैं कोई भी ऐसे ही आके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका वेस्लर बेलव्यू वाला, एंड देन इसके बाद जो है इसमें अलग अलग रिविजन हुए 1955 में, 1997 में, ठीक है, और 2008 में, ठीक है, ये जो रिविजन है ये आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर, इसके अंदर आपको वर्बल स्केल भी मिलती है, इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस स्केल भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पूरी टाइमलाइन आपकी है। अब देखते हैं सवाल को, हु डेवलप्ड द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, अल्फ्रेड बिने, लुईस टर्मेन, डेविड वेस्लर, चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन 1904 नहीं, डेविड वेस्लर 1939 नहीं, टर्मेन 1916 नहीं, अल्फ्रेड बिने जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर 3, मतलब सवाल नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। ठीक है, ब्रीदिंग और हार्ट रेट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लांगाटा, हाइपोथैलेमस या फिर हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर आंसर आपका, ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बेसिक सर्वाइवल फंक्शन सच एज ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। ठीक है, आपका जो दिल की धड़कन है और आपकी जो श्वसन क्रिया है, ब्रीदिंग है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पर पूछ रहे हैं, सेरेबेलम होता है क्या, मेडुला ओब्लांगाटा होता है क्या, हाइपोथैलेमस होता है क्या, या फिर हिप्पोकैम्पस यहाँ पर होता है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेरेबेलम क्या करता है, ये आपकी बॉडी में बैलेंस का कार्य करता है। ठीक है,
बॉडी में जो है बैलेंस का काम करता है, आपको जो है आप नाच रहे हैं गा रहे हैं बॉडी मूवमेंट के लिए आपकी जो मदद करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका यहाँ पर सेरेबेलम, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप जानते हैं यहाँ पर अनु मस्तिष्क के नाम से। फिर यहाँ देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा, चलिए मालूम है आपको पता नहीं है, लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये काम करता है आपके फीडिंग के लिए, फ्लाइट के लिए और फूड के लिए, ठीक है, यानी कि आपकी फूड भी फीडिंग के साथ ही हो गया है ना। तो आपके जो खान पान है, बॉडी टेम्परेचर जो है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आपने सुना कि आपका हाइपोथैलेमस आपकी ब्रीदिंग में रोल प्ले करेगा? हाँ करता है, लेकिन यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है, इस प्राइमरीली है ना, मुख्यतः कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस उतना नहीं होता, वो आपके किसके लिए होता है, आपकी बॉडी में किसके निर्माण करने के लिए, आपको होमियोस्टेसिस प्रदान करने के लिए कार्य करता है मेजर, ठीक है, होमियोस्टेसिस प्रदान करने के लिए, सम्यता प्रदान करने के लिए आपको जो काम करता है बॉडी में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए करता है, ठीक है। ये अलग अलग सवाल दे सकता है आपको बीपीएससी अंग्रेजी में देखा जाए तो, अलग अलग कठिन शब्द दे सकता है आपको कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कौन काम करता है, होमियोस्टेसिस के लिए कौन काम करता है, उत्तर क्या होने वाला है आपका, हाइपोथैलेमस वहां पर। उसके बाद देखिए हिप्पोकैम्पस, बड़ा ही आसान है, यहाँ पर क्या होता है आपकी स्मृति का कंसोलिडेशन होता है। तो अगर पूछेगा कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी कहाँ पर होती है, तो आपके हिप्पोकैम्पस में होती है, और आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो भी कहाँ फॉर्म होती है, वो भी आपके हिप्पोकैम्पस में होती है, C1 C रीजन, वो सब अलग बात है, ठीक है। लेकिन हिप्पोकैम्पस में अंदर क्या होता है आपका, ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज यानी कि आपकी जो दीर्घकालिक स्मृतिज है उनका निर्माण यहाँ पर होता है। जब हमने इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, इन तीनों में से ही किसी में भी हमने किसके बारे में बात नहीं की है, हमने अपने श्वास लेने की बात नहीं की गई और हमने अपने दिल की धड़कन की बात नहीं की गई है, इसलिए सही आंसर क्या होता है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, ये आपका सही आंसर होता है। इसको आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी आपको ही मिलेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। ये देखिए आपने तीन सवाल, ये कौन सा था, ये था आपका जैव मनोविज्ञान। अब हम देखते हैं अगला क्या है, अगला आ रहा है आपका यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू जीन पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ड्यूरिंग विच स्टेज डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस, है ना, डेवलप कर लेते हैं एबिलिटी मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, सेंसरी मोटर में, पूर्व आपकी जो है संवेदी प्रेरक में, ये आपका संवेदी प्रेरक हो गया, ये आपका हो गया प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, ये हो गया आपका संक्रियात्मक, और ये हो गया आपका यहाँ पर फॉर्मल स्टेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये निमोनिक ध्यान रखिएगा SPCF। चलिए चलते हैं काली स्क्रीन के ऊपर, ये आपको जो निमोनिक है कभी नहीं भूलना है, आपको ध्यान रखना है, हिंदी अंग्रेजी कोई भी माध्यम हो आपका, SPCF ये किसके लिए डिनोट करता है, डिनोट करता है आपका पहला आपका सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। इसी को हम मॉक टेस्ट बना देंगे, सवाल कैसे पूछेगा आपसे, प्री, कॉन्क्रीट, सेंसरी मोटर और फॉर्मल, ठीक है, इनमें से पहला कौन सा आता है वो आपसे पूछेगा, ठीक है। पहला कौन सा आता है, पहला आता है सेंसरी मोटर, फर्स्ट ये हो गया, देन कौन सा आता है, देन आता है आपका प्री ऑपरेशनल, ये आपका सेकंड हो गया, देन कौन सा आता है आपका कॉन्क्रीट आता है, ये आपका थर्ड हो गया, एंड देन आता है आपका फॉर्मल, ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपका सही ऑर्डर हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे वहां पर एक नंबर बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से इस ऑर्डर को कभी नहीं भूलेंगे आप। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट परमिनेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमिनेंस आपका धीरे धीरे खत्म होते होते ये डेवलप हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, ठीक है, वो जो है धीरे धीरे डेवलप कर लेता है बच्चा। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, देन आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहां पर जो है मेंटल ऑपरेशन आपकी शुरुआत हो जाते हैं, और यहाँ पर आपकी जो है फॉर्मल में आपको ध्यान रखना है क्या होता है, यहाँ पे आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि ऊल जलूल चीजों का जो चित्रण है वो भी यहाँ पे बच्चा विचार कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक 7 साल के बच्चे से 10 साल के बच्चे को आप बोलेंगे कि गुलामी क्या होती है तो बच्चा शायद नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर एक 11 से 12 साल या 13 साल के बच्चे या बच्ची को आप पूछेंगे गुलामी क्या होती है तो मे भी वो बता देगा, ठीक है। ट्राई करके देखिएगा आप, 6 साल 7 साल 10 साल जो बच्चा है कौन सी स्टेज में होता है, कॉन्क्रीट, लेकिन आप उसको देंगे 2+2 तो कर लेगा वो, है ना, 4+9 देंगे कर लेगा वो, 7 × 6 देंगे तो कर लेगा वो, ठीक है। तो ये थ्योरी इतनी पुरानी है, अब जमाना बदल रहा है, आजकल छोटे बच्चों को ही मालूम होता है, बट स्टिल यहाँ पर इस थ्योरी के हिसाब से क्या है हमारे सामने कि बच्चा जो है मेंटल ऑपरेशन यहाँ शुरू कर देगा, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो कहाँ डेवलप होती है, ये जो चिंतन है आपका एब्स्ट्रैक्ट वाला, ये कब होता है, ये यहाँ पर इस अवस्था के अंदर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, किसने दी है आपको यहाँ पर इस अवस्था, ये आपको दी है जीन पियागेट ने। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जब भी बात आएगी तो किसने दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपको दी है यहाँ पर, सीडी थ्योरी किसने दी है, संज्ञानात्मक विकास की बात कौन करते हैं, आपके जीन पियागेट बात करते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि आपका जो चिंतन है, जो आपका थॉट है वो किसमें आता है, वो आपका पहले आता है, चिंतन पहले आता है, उसके बाद क्या आती है, आपकी भाषा आती है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज आती है, कौन बात करते हैं, आपके जीन पियागेट।
पहले चिंतन फिर भाषा, ठीक है। मतलब बच्चा जो है पहले क्या करेगा, पहले माँ का संप्रत्यय सेट करेगा, उसके बाद जानेगा कि इसको हम माँ बोलते हैं या फिर मॉम बोलते हैं, ठीक है, या फिर मदर बोलते हैं। उसी के साथ देखिए, अभी आपने एक और सीडी थ्योरी देखी थी, किसके बारे में? आपने देखी थी लियोन फेस्टिंगर की कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ठीक है। इस प्रकार से लिंक करना होता है, और ये जो लेक्चर देख रहे हैं आप, ये आपके कोर्स का स्पेशल लेक्चर है, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है? ऑल राइट, अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका अंतिम सवाल जो आपके लिए है 5 नंबर का इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, वो है आपका अगेन बुद्धि से। यहाँ पर आपका वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द हॉवर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी कि बहुबुद्धि के सिद्धांत में से इनमें से कौन सा नहीं है, वो पूछ रहा है आपसे। लिंग्विस्टिक, स्पाटियाल, इमोशनल या फिर एनालिटिकल, ठीक है। लिंग्विस्टिक, स्पाटियाल, इमोशनल या फिर एनालिटिकल, इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको ये तो मालूम है लिंग्विस्टिक तो होता है आपको, ठीक है। लिंग्विस्टिक होता है, भाषाई बुद्धि की बात करते हैं, स्पाटियाल की बात करते हैं, इमोशनल की बात करते हैं या नहीं करते, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं इमोशनल, लेकिन आप देखेंगे जब इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल तो वहां पे इमोशनल की बात भी आएगी, लेकिन इसके अंदर आपके एनालिटिकल की बात कहीं भी नहीं होती है, ठीक है। आपकी जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात यहां पर कहीं भी नहीं होती है, भूल के भी, किसके अंदर, आपके हॉवर्ड गार्डनर के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके हॉवर्ड गार्डनर की बुद्धि के बारे में, तो उसको आप जरूर से देख लेंगे एक बार जाकर वहां पर अच्छे तरीके से, कि पहले कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है। इनके बारे में आपकी जो भाषाई बुद्धि, ठीक है, देशकालिक वातावरणिक बुद्धि ना, नेचुरल एनवायरमेंट वाली बुद्धि जो है वो सब, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया आपको, आपको दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने, बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कौन करेंगे, हॉवर्ड गार्डनर करेंगे। उसी के साथ साथ जब हम बात करेंगे त्रिपाचीय सिद्धांत के बारे में, यानी कि ट्रायार्किक थ्योरी के बारे में, तो किसका नाम आएगा आपके सामने, आपके सामने आएगा यहाँ पर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे प्राथमिक मानसिक अवस्थाएं यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की, जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, यहाँ पे नाम आएगा आपके थर्स्टन का। उसके बाद जब हम बात करेंगे यहाँ पे टू फैक्टर थ्योरी ऑफ बुद्धि के बारे में, तो किसका नाम आएगा, वो नाम आएगा आपके यहाँ पर चार्ल्स स्पीयरमैन का, ठीक है। और उसके बाद जब हम बात करेंगे आपके गिलफर्ड की, तो वहां पे क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आएगा, जिसके अंदर आपके यूनिट कंटेंट और ऑपरेशंस आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, ये आएगा। और ये सब कहाँ पे दिया हुआ है, क्या किसी कोर्स में दिया हुआ है, नहीं, ये सब किसी कोर्स में नहीं दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़े अच्छे से, इसको देखें, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आपको दी हुई हैं, और हमारे कोर्स में तो बट ऑब्वियस बात है ये सब कराया ही हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के माध्यम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये सारी थ्योरी सबको बननी चाहिए, इनमें से आप कुछ भी गलत करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 थ्योरी तो आपको यहाँ दी हुई है। उसी के साथ देखिए गिलफर्ड की अगर हम बात करें, तो लास्ट टाइम देखिए गिलफर्ड से आपको पूछा गया था डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, फिर आपको पूछा गया था कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में, जो आपको दिया हुआ है आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी में थिंकिंग चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसी के साथ देखिए आगे जाके आपसे पूछ सकते हैं क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कि सृजनात्मकता के बारे में, ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपका टॉरेंस का टेस्ट आता है, मेडनिंग का टेस्ट आता है, रिमोट एसोसिएशन वाला, तो उसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने देखे आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, संप्रत्यय आपके, जो किसके लिए काम आने वाले हैं, जो काम आने वाले हैं आपको, सवाल इनसे संबंधित आपको देखने मिलेगा आगामी बीपीएससी 3.0 एंड 4.0 के अंतर्गत, ओके। ऑल राइट, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें जो आपको एग्जाम में +1 नंबर वहां पर दिलाएंगे, ठीक है। इनको आप हल्के में लेंगे तो आप जो है हल्के में हो जाएंगे उस दिन, और आप -1 वहां कर बैठेंगे। ऐसा ना करें आप, इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएं यहाँ पर, इनको नोट डाउन करें, पढ़ें इनको अच्छे से, और इनको प्रॉपर रिवाइज करें, और 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी अगेन जिंदाबाद, ठीक है। ये आपकी जिंदाबाद थी, है और रहेगी, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जितना अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उससे बेहतर कोई भी चीज नहीं है, 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 ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको कह सकते हैं कि देखिए देखिए सर का वीडियो लाइक करिए, और फिर उनको भी इस प्रकार का नॉलेज यहाँ पर मिल सकता है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।